Hey guys, welcome back to another video. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपने सारे आर्टवर्क्स दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी स्केचबुक्स, फाइल फोल्डर्स, छोटी स्केचबुक्स, बड़ी स्केचबुक्स, सब तरह की रखी हुई है। तो एक एक करके मैं आपको सारे आर्टवर्क्स दिखाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मेरी सबसे पुरानी स्केचबुक के साथ। इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मुझे ईयर भी याद नहीं है मैंने इसमें स्केचेस कब कब बनाए हुए हैं। तो फटाफट से देखते हैं कैसे हैं ये। एक्चुअली थोड़ा सा डैमेज हो गया स्केच क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना है। मैं आपको दिखा दूँ, 2016 मैंने इस पर डेट डाली हुई है, 2016 का ये आर्टवर्क है। आगे से इस पर दूसरे आर्टवर्क्स रखे जाने की वजह से थोड़ा सा डैमेज हो गया। कोई बात नहीं, इसे मैं वापस से ठीक कर दूँगा। ये मैंने गणेश जी की ड्राॅइंग बनाई थी काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद ये रैंडम मैंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है किसी का। ये मैंने अपनी मॉम का पोर्ट्रेट बनाया था। उसके बाद ये ऐसे धीरे धीरे, मतलब बेसिकली ये प्रैक्टिस बुक थी मेरी। ये पहले के टाइम पे जो मीम्स आते थे बिल्ली वाले, ये मैंने खुद का पोर्ट्रेट बनाया था। ये कुछ आर्टवर्क्स है जो शायद मैंने कहीं पे डिस्प्ले भी करे थे उस टाइम पे। तो ये जैकलिन फर्नांडिस का मैंने पोर्ट्रेट बनाया था ग्रेफाइट के ऊपर, बस ऐसे ही मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स लगा दिए थे। एंड उसके बाद देखते हैं, ऋतिक रोशन सर का स्केच बनाया हुआ है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है बादशाह का, विराट कोहली। इन सारे स्केचेस में आप देख पा रहे होगे जितने भी आउटलाइनिंग है ना, वो तो सारी ठीक कर रखी है, बट एक्चुअल में शेडिंग जो है किसी में भी मैंने नहीं की हुई क्योंकि उस टाइम तक मुझे आती ही नहीं थी। मुझे लगता था बस यही जो है ये बन गया है, शक्ल मैच हो गई एंड दैट्स इट, बढ़िया है। बालों में और मूंछ में मैंने शेडिंग कर दी है, उसके अलावा कहीं नहीं कर रखा। फ्री हैंड स्केच बनाया हुआ है, बस बालों में थोड़े से स्ट्रोक्स लगा दिए, दैट्स इट, खत्म। ये एमा वॉटसन का बनाया था मैंने, इस पर थोड़ी सी कोशिश की हुई है नीचे। ये था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत मूवी जो आपने देखी होगी उससे बनाया था। ये देखो मैंने पीछे फ्रेम्स बनाने की कोशिश की थी ऐसे ही हाथ से घिस के, एंड देन इस तरह से मैंने फ्रेम्स बनाई हुई है ये, अगर समझ आ रहा होगा तो। नेक्स्ट मैंने पोस्टर बनाया था रईस मूवी का, शाहरुख खान सर का। ये अनदर प्रैक्टिस की हुई है बस मैंने एक। ये मैंने कुछ नया ट्राई करने के लिए बस एक, वैसे तो ये रेफरेंस से ही बनाया हुआ है, मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ, कोई इमेजिनेशन से नहीं बनाया हुआ, बट हाँ उस टाइम पे मेरे लिए नई चीज़ थी, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है। ये भी डायरेक्ट बॉल पेन से बनाया हुआ है मैंने, स्ट्रोक्स देख के आपको पता चली जाएगा कि जेल पेन नहीं बॉल पेन है। और आप देख सकते हो पेजेस किस तरह से हो गए हैं, इनको मेरे को ढंग से रखना पड़ेगा। सो गाइज ये थे कुछ आर्टवर्क्स। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट टच, छोटे बच्चे ऐसे लिखते रहते हैं ना कुछ भी। अपना पुराना काम देख के लिटरली बहुत अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि जब हम देखते हैं ना 5-6 साल पुराने अपने आर्टवर्क्स और हम देखते हैं उनमें क्या क्या गलतियाँ हमने की है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते थे जो हमने नहीं की, शेडिंग और कितनी हमने स्किल्स अपनी डेवलप की हैं, कितना काम हमने किया है। जब हम देख सकते हैं इतनी सारी फाइलें हमने भर दी है, इतने टाइम से हम कर रहे हैं वो, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ हमने एक चीज़ अचीव की है। और हर एक आर्टवर्क में आप देखोगे ना, हर एक में मेरे सिग्नेचर अलग है। किसी में मैंने उल्टा सी बनाया हुआ है, तो आज की जो एग्जीबिशन होती है अगर मैं उनमें ये आर्टवर्क्स लगा दूँ तो वो डिराग पड़ के चले जाते हैं। ये देखो इसमें मैंने अलग बना रखे अपने सिग्नेचर, तो हर बार मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। ये एक्चुअली जो लग रहा है ना डैमेज, एक्चुअली है नहीं, ये बस पेपर के ऊपर लगा हुआ है। इस आर्टवर्क में मैंने एक्चुअली मेहनत की है, इसमें ये जो पोर्शन है मैंने चारकोल से बनाया है, ये मैंने ग्रेफाइट से बनाया है, बट इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। बट एक्चुअल में मेरे को ये चीज़ें अब जाके समझ में आई है क्योंकि चारकोल को और ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। नेक्स्ट है ये मोदी जी का स्केच, ये मैंने फ्री हैंड बनाया था। ये आलिया भट्ट का स्केच बनाया था, ये पूरा चारकोल से बनाया हुआ है और नीचे मैंने ये देखो लिप्स में और ये नीचे शेडिंग रखी है, ये ग्रेफाइट से की हुई है मैंने। पक्षी राजन का मैंने स्केच बनाया था जो रोबोट मूवी आई थी उससे। देन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया था, ये मैंने जस्ट नॉर्मल पोर्ट्रेट बनाया और उसके ऊपर कंपास चला दिया और जहाँ पे डार्क था वैसे करके टाइम पास के लिए बनाया था मैंने, कोई इनोवेशन नहीं है मेरा इसमें। ये मैंने सेलेना गोमेज का स्केच बनाया था, इसमें आप देख सकते हो पीछे मैंने ब्लर किया हुआ है बैकग्राउंड, कोशिश की थी। ये मैंने रैंडम एक रेफरेंस लेके बनाया हुआ है और इसके पीछे ब्लैक पेंट किया हुआ है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रेफाइट में ग्रेफाइट का यूज़ करो एंड चारकोल में चारकोल का यूज़ करो, ये ब्लैक बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है, तो वो लग रहा है कि जैसे कोई स्टिकर चिपकाया हुआ है इस पर, बट एक्चुअल में पेंट। ये मैंने अपने दादाजी का स्केच बनाया था, मेसी का पोर्ट्रेट बनाया था जिसमें आप फिर से देख सकते हो मैंने अपने सिग्नेचर चेंज किए हुए हैं। ये एक्चुअल में पेंटिंग कलर से बनाया है, जो स्टेडलर के वाटर कलर पेंसिल्स आती है मैंने उनसे बनाया है ये,
एंड जहाँ जहाँ पे मुझसे नहीं हुआ पेंट ढंग से जो मुझे एक्चुअल में कलर चाहिए था, तो वहाँ पे मैंने सिंपली पेंसिल कलर्स को यूज़ किया हुआ है, बट स्टार्टिंग जो इसका बेस है वो सारा पेंट का है। तो दोस्तों वो था सारा पुराना काम, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन छोटी छोटी स्केच बुक्स में मैंने क्या क्या ड्रॉ किया हुआ है। तो दोस्तों ये है टोन्ड ग्रे पेपर, तो सबसे पहला आर्टवर्क मैंने इसमें ये बनाया था, आप देख सकते हो काफ़ी रियलिस्टिक सा आर्टवर्क बनाया था, रिसेंटली बनाया था मैंने पिछले एक दो साल में ही। उसके बाद इसमें इस वाले स्केचबुक में मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया हुआ, ये मैंने प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है बस ऐसी टाइम पास। उसके बाद आते हैं मेरे पास एक और स्ट्रैथमोर का टोन्ड ग्रे स्केचबुक है, इसमें आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो ये मैंने दिवाली के फेस्टिवल पे मैंने ये दिया बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे जो दिया की फ्लेम होती है जिसमें हमें कई बार पर्पल और ब्लू इफेक्ट भी देखने को मिलता है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया था। नेक्स्ट है ये बटरफ्लाई, मेरे को काफ़ी इसके कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ब्राइट कलर्स थे तो मैंने इसको ड्रॉ किया था। उसके बाद मैंने ये शिव जी की ड्राइंग बनाई थी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून से इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया था, ये मैंने इंडिपेंडेंस डे पे बनाया था स्केच, एंड ये प्रैक्टिस थी एक्चुअली ख़राब हो गया था तो मैंने इसे दोबारा से बनाया था, ये सोनम बाजवा की मैंने ये ड्राइंग बनाई थी। सारे पेंसिल कलर आर्ट वगैरह, एक्चुअली ये जो स्केचबुक है ये बेसिकली पेंसिल कलर्स के लिए ही बेस्ट मानी जाती है, इसमें मैंने थोड़ा काम किया हुआ है, ये देखो मैंने हैंड ड्राइंग की प्रैक्टिस की हुई है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरे ही हाथ है, वीडियो में अच्छे लग रहे होंगे पर एक्चुअल में ये मेरे ही हाथ है, ये मेरे हाथ नहीं है, ये मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, भी मैंने रेफरेंस लेके बनाया हुआ है, ये सारी प्रैक्टिस है बस। ये देखो इसमें ये भी मेरा ही हाथ है, अगर मैं दिखाऊँ इस तरह से समझ आ रहा होगा, ये मेरे को कट लग गया था यहाँ पे तो फिर मैंने इसको ड्रॉ किया। मैंने लाइव बनाई थी अलवर गया था मैं, अलवर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था इसे, ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिस वाला काम ही है, ये भी देखो ये सारी प्रैक्टिस की हुई है मैंने, ये फालतू टाइम पास किया हुआ मैंने इसमें। उसके बाद ये भी एक जगह पे मैं वैसे ही बैठा हुआ था, ये एक्चुअली रॉक है, पत्थर है एक बहुत बड़ा, ये इंडिया गेट पे मैंने ड्रॉ किया था, ये मैंने मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ, ये मैं रिसेंटली माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था तो वहाँ पे यात्रा करते हुए मैंने ये बंदर देखा था, उसकी ड्राइंग बनाई थी मैंने, ये भी मैंने ट्रेन में बैठे हुए ये स्केचिंग करी थी, दैट्स इट, इसमें इतना ही है। भाई साहब इतने सारे आर्टवर्क्स, और इसमें से आधे से ज़्यादा वो हैं जो मुझे याद भी नहीं मैंने कब बनाए थे, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने मोस्ट रीसेंट आर्टवर्क्स जो मैंने पिछले एक दो साल में ही बनाए हैं, एंड इवन जो शायद मैं अभी बना भी रहा हूँ, करंट प्रोग्रेस में भी होंगे, तो अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है स्ट्रैथमोर का ब्रिस्टल स्मूथ पेपर जिसमें 20 शीट्स आती है, जो कि मैंने सारी फिल कर दी हैं, इसमें अब अलग पेपर रखे हैं बट जो मैंने इस पर आर्टवर्क्स बनाए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला है ये जो कि मेरा मोस्ट रीसेंट आर्टवर्क है, ये मैंने पेंसिल कलर से बनाया, प्रिज्मा कलर पेंसिल से। उसके बाद ये चारकोल आर्टवर्क है, ये अलवेश यादव का, ये भी चारकोल से ही बनाया था मैंने। ये शुभमन गिल, ये मैंने पेंसिल कलर से बनाया है, एंड इसमें यहाँ पे मैंने मार्कर की हेल्प ली हुई है ब्लैक मार्कर से। नेक्स्ट है ये मैजिक आर्टवर्क, एक्चुअली इसमें मैंने पीछे ऑयल पेस्टल्स का यूज़ किया हुआ है एंड उसके ऊपर ब्लैक पेंट करके फिर ये कॉम्पस की हेल्प से मैंने ये इस पर बनाया हुआ है। ये जेंडिया का आर्टवर्क बना रहा था मैम, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये पूरा, ये आप देख सकते हो दंगल फिल्म से इंस्पायर्ड, बेसिकली ये कैरिकेचर है, ये भी चारकोल का, ये प्रैक्टिस थी, फ्री हैंड बनाया हुआ है मैंने। देन ये अल्कोहल मार्कर्स की हेल्प से ये बनाया है मैंने, ये टोटली मार्कर्स का यूज़ किया हुआ है मैंने इसमें, आप देख सकते हो मार्कर्स के स्ट्रोक्स हैं, आप यहाँ पे देखो ब्लेंडिंग से आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं मेरी फेवरेट फाइल पे जिसमें सबसे ज़्यादा आर्टवर्क्स हैं, सबसे पहला है ये, उसके बाद है रॉकी भाई का, इसकी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपर ट्यूटोरियल, फ्री हैंड बनाया था मैंने ये एंड इसका ट्यूटोरियल मैंने वीडियो डाला हुआ है। उसके बाद आती है थार, ये आप देख सकते हो स्टेडलर कलर पेंसिल से बनाया था मैंने इसको, ये जो है नेगेटिव आर्ट है, इसको नेगेटिव फिल्टर से अगर हम देखें तो वो ऑपोजिट कलर्स दिखाई देते हैं। उसके बाद ये जैन मलिक, नेक्स्ट है SRK, ये मैंने ग्रेफाइट से बनाया था, ये चारकोल से बनाया हुआ प्रॉपर, ये एक्चुअली ओरिजिनल की कॉपी है, ये मैंने अंकित बैयापुरिया को गिफ्ट कर दिया था स्केच, तो ये उसकी एक कॉपी मैंने अपने पास रखी हुई है, इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वो डाली हुई है। नेक्स्ट है ये एक ईयरिंग की ड्राइंग बनाई थी मैंने, ये जानवी कपूर का स्केच बनाया मैंने, मिली जो पिक्चर आई थी उसके ऊपर। नेक्स्ट ये स्पाइडरमैन,
एंड ये है मैरी मी पिक्चर से जेनिफर लोपेज की, जो उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे रिपोस्ट भी की थी। आई गेस 250 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, उन्होंने रिपोस्ट की थी। ये आयरन मैन, ये पूरा आर्ट वर्क मैंने चारकोल से बनाया है, ये भी चारकोल से बनाया है मैंने। ये टिकटॉक पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था ये गणेश जी का। ये कैरी मिनाटी का स्केच बनाया था मैंने, एंड ये आप देख सकते हो इसका हेयर ट्यूटोरियल के लिए मैंने ये आर्ट वर्क बनाया था, इसकी वीडियो आप चेकअप कर सकते हो। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये सेलेना गोमेज, ये आर्ट वर्क काफ़ी डिटेल्ड आर्ट वर्क है, आप देख सकते हो पीछे सारा ब्लर करके दिखाया हुआ है मैंने, हेयर डिटेलिंग वगैरह, फेदर में काफ़ी सारी डिटेलिंग की हुई थी, काफ़ी टाइम लगा था मुझे इसे बनाने में। इस आर्ट वर्क को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, पूरा चारकोल से बनाया हुआ मैंने। नेक्स्ट आता है ये जॉनी डेप, इसको मैंने प्रिज्मा कलर पेंसिल से बनाया था, एंड बैकग्राउंड में मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स का यूज़ किया है। आप देख सकते हो ये भी कलर पेंसिल स्केच है, इसमें हल्का सा ब्राउनिश इफेक्ट, येलोनेस आपको दिखाई दे रही होगी, तो पेंसिल कलर से बनाया हुआ, पूरा पीछे ब्लैक मार्कर का यूज़ किया हुआ। नेक्स्ट है कमीशन आर्टवर्क है, इसकी एक कॉपी है, ये ऑलरेडी शिप हो चुका है, ये बस जस्ट एक कॉपी है मेरे पास, लंदन जा चुका है ये। नेक्स्ट है आरियाना ग्रैंडे, मैंने इमरान हाशमी का बनाया था, ये एक डॉग का पोर्ट्रेट बनाया था मैंने, आप देख सकते हो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, काफ़ी पसंद है मुझे ये आर्टवर्क। ये भी जेनिफर लोपेज ने अपने चैनल पर रिपोस्ट किया हुआ है इंस्टाग्राम पर, आप मेरी हाइलाइट्स में देख सकते हो, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा ये आर्ट वर्क। मैंने अवतार का पोर्ट्रेट बनाया था, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट्स है, ये डायनासोर है, कोई कोई इसे छिपकली बोल देता है बट एक्चुअली वो डायनासोर। टेलर स्विफ्ट, मेसी का एक और पोर्ट्रेट बनाया था, एक आपने पहले पिछली फाइल में देखा होगा ये, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करके डिटेल्स वगैरह देख के मैंने उसको दोबारा से बनाया था, तो ये भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट वर्क में से एक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी इसमें। मैंने इंडियन क्रिकेट टीम के बनाई थी वर्ल्ड कप पर हम हार गए। नेक्स्ट है काइली जेनर, ये रैंडम मैंने कोई भी बनाया हुआ है, ये अक्षय कुमार का बनाया था। ये भी जब भी मैं किसी भी एग्जीबिशन में लगाता हूँ तो इस आर्ट वर्क की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होती है, क्योंकि एक्सप्रेशन से इसके इतने अच्छे हैं। पीटू मामा, देन सोनम बाजवा, ये प्रिज्मा कलर पेंसिल से बनाया है, अजय देवगन का स्केच बनाया है, कियारा एडवानी, ए पी ढिल्लो, ऋतिक रोशन, दूर से देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लगता है ये आर्ट वर्क। ये मैंने एक स्नेक की ड्राइंग बनाई थी, ये भी हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाया था मैंने, ये OMG मूवी आई थी उस पर बनाया था। नेक्स्ट ये ड्रेक, ये सुशांत सिंह राजपूत, ये एक्चुअली पुराना स्केच है, ये मैंने इसमें डाला हुआ जिस, ये स्क्विड गेम का एक करेक्टर बनाया था मैंने, मैंने देखी नहीं है बट यस। इसी के साथ ख़त्म होते हैं सारे आर्टवर्क्स, अभी मैं करेंटली पेंटिंग्स पे काम कर रहा हूँ, तो यही थे आज की वीडियो के लिए सारे आर्टवर्क्स, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आर्टवर्क्स में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा, आपका फेवरेट आर्टवर्क कौन सा रहा इसमें से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको भी मैं इन फ्यूचर ड्रॉ करूँगा, फिलहाल मैं पेंटिंग्स पे काम कर रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।